नमस्कार, न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। रेल मंडल के वरिष्ठ अभियंताओं की टीम सोमवार को मधुपुर में दुर्घटना राहत यान का किए जांच। मंडल के वरिष्ठ अभियंताओं की टीम ने सोमवार को मधुपुर में दुर्घटना राहत यान का जांच किया। अभियंताओं की टीम ने बोगी में रखे विभिन्न प्रकार के उपकरणों का बारी बारी जांच किया और आवश्यक निर्देश दिए। बताया जाता है कि दुर्घटना राहत बोगी में रखे सभी उपकरणों का वार्षिक समीक्षा की जाती है। कारण कि किसी भी समय कहीं भी रेल हादसा होने पर आपातकालीन में तुरंत रेल कर्मी समय पर राहत कार्य में जुट सके, सभी उपकरण ठीक है कि नहीं उसे दुरुस्त किया जाता है। मौके पर रेल मंडल के डीईजी अजय कुमार, सीनियर डीएमई सनी विश्वजीत, डीएमई अपूर्वा, सीनियर एसएससी मोहम्मद आजम, सीनियर डीईएन श्रेया सुमन, टीआई रवि शेखर, डी सोरेन, आईओडब्ल्यू रामायण सिंह, कैरेज अधीक्षक एसएस सुमन, अनिल राय, लोको इलेक्ट्रिक टेलीकॉम विभाग के अभियंता व रेल कर्मी मौजूद थे। ईशान भवन में जिला अध्यक्ष संजय मुन्नम की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। शहर के बेलपाड़ा स्थित किसान भवन में मंगलवार को कांग्रेस नगर व प्रखंड इकाई की पदाधिकारियों की बैठक जिला अध्यक्ष संजय मुन्नम की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान बीच बैठक में कांग्रेस के कार्यकर्ता मोहम्मद राजा के नेतृत्व में रामू, रिंकू, कायम, साहेब, अशोक, अरुण, इकबाल, ललिता देवी, शांति देवी, अनवर, अशोक सिंह, सिकंदर, फिरोज खान, गीता देवी समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय मुन्नम के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए बैठक बहिष्कार किए। वहीं कार्यकर्ताओं का आरोप लगाते हुए जिलाध्यक्ष पर पार्टी के बड़े नेताओं को बैठक की सूचना नहीं दी जाती है। इसके साथ नगर अध्यक्ष पर पार्टी की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया गया। इस दौरान बैठक में जमकर हंगामा हुआ। एक सौ आदमी लेकर के तो उसको भी मालूम नहीं है। कांग्रेस नेत्री कमला पार्टी को मालूम नहीं है। नगर अध्यक्ष के बीवी लड़ती है, हाथी छाप में। नगर अध्यक्ष कांग्रेस के बोलता है कि मेरा बीवी लड़ रही, मेरा पत्नी, आप लोग वोट दीजिएगा हाथी छाप में, तो क्या पार्टी इसी तरह कांग्रेस पार्टी के संगठन विस्तार को लेकर नगर अध्यक्ष मोहम्मद श्याम की अध्यक्षता में बैठक हुई संपन्न। कांग्रेस पार्टी के संगठन विस्तार को लेकर सभी प्रखंडों व नगरों में बैठक की जा रही है। इस निमित्त मंगलवार को किसान भवन में मधुपुर नगर तथा प्रखंड की संयुक्त बैठक नगर अध्यक्ष मोहम्मद श्याम व प्रखंड अध्यक्ष त्रिपुरारी सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में की गई। बैठक का संचालन करता जिला के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व मधुपुर नगर पालिका अध्यक्ष फयाज केसर ने कहा कि मधुपुर कांग्रेस कमेटी हर वार्ड एवं पंचायत स्तर पर संगठन को सशक्त बनाए, हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता तैनात हो ताकि आगामी सभी चुनाव हम आसानी से फतह हासिल कर सके। महागठबंधन का जो भी उम्मीदवार तय होगा हम उन्हें पूर्ण सहयोग कर दिलाने का काम करेंगे। बैठक में बतौर अतिथि देवघर जिला अध्यक्ष मुन्नम संजय ने कहा कि मधुपुर प्रखंड एवं नगर संगठन की विस्तार एक सप्ताह के अंदर कर ली जाए। सभी संगठन मोर्चा एवं प्रकोष्ठ की कमेटी को अविलंब पूर्ण कर ली जाए। इसके लिए प्रखंड व नगर को जोन में बांटकर जोन प्रभारी बनाया जाए। संगठन के विस्तार के लिए प्रखंड व नगर में अलग अलग समन्वय समिति बनाकर टीम वर्क की भावना से काम किया जाए। मधुपुर प्रखंड व नगर के सामने कई चुनाव खड़े हैं, चाहे वह मधुपुर विधानसभा उपचुनाव हो, नगरपालिका अध्यक्ष का उपचुनाव हो या पंचायत चुनाव हो। सभी चुनाव में अपनी पार्टी अथवा महागठबंधन के उम्मीदवार को फतह हासिल करने के लिए जमीनी स्तर पर संगठन को विस्तार कर मजबूती प्रदान कर ली जाए। हर बूथ से नए 50 सदस्यों को पार्टी संगठन से जोड़ने का काम कर सदस्यता अभियान को सफल बनाना है। पार्टी में कोई बड़े नहीं है, पार्टी संविधान और कार्यकर्ताओं की शक्ति से चलती है, आलाकमान के निर्देश पर चलती है। यह पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के स्वार्थ के लिए नहीं बनी है। हम कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है। हम कार्यकर्ताओं की बदौलत सारे चुनाव को जीतते हैं और जीतते रहेंगे। बैठक में पूर्व सांसद प्रोफेसर सलाउद्दीन अंसारी, सेवा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय कुमार, वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रमुख सुबल सिंह, मीडिया प्रभारी दिनेश कुमार मंडल, गोल्डी खान, प्रदेश अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष रंजीत सिंह चावला, महिला अध्यक्ष सहनाज परवीन मोती शाह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल सिंह, NSUI अध्यक्ष नसीम अंसारी, नगर उपाध्यक्ष राजा, मधुपुर प्रखंड उपाध्यक्ष परवेज अंसारी, अबरार हुसैन आदि ने संगठन पर अपना विचार दिया। योर क्लब मधुपुर की एक बैठक सुशील सिंह की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कन्हैयालाल कन्नू बने योर अध्यक्ष।
शहर के कुंडू बंगला स्थित निजी भवन सभागार में देर रात योर्स क्लब मधुपुर की एक बैठक सुशील सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान संगठन की मजबूती को लेकर चर्चा करते हुए नई कमेटी का विस्तार किया गया। वहीं बैठक में सर्वसम्मति से योर्स का पुनर्गठन करते हुए कन्हैयालाल कन्नू को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि डॉक्टर प्रवीण कुमार सिंह को सचिव, राकेश गुटगुटिया को कोषाध्यक्ष, संजय झा को उपाध्यक्ष, शौकत नाज को सहसचिव मनोनीत किया गया। इस मौके पर योर्स मधुपुर के नवनियुक्त अध्यक्ष कन्हैयालाल कन्नू ने कहा कि योर्स क्लब हमेशा से मधुपुर में सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी निभाते आया है। संगठन की मजबूती के लिए सभी सदस्य मिलकर काम करेंगे। योर्स के द्वारा मधुपुर में आने वाले वर्ष के लिए कार्यक्रम को लेकर आगे की बैठक कर निर्णय लिया जाएगा। इस मौके पर सुभाष सिंह, प्रिंस समद, मुकेश अग्रवाल, अरूप गांगुली, गुफरान जाफरी, प्रदीप कुमार शर्मा, मोहम्मद चांद, सुशांत सिंह, उत्तम मोहनका समेत दर्जनों सदस्य मौजूद थे। शहर के फसलचट्टी मोहल्ला निवासी मधुपुर महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर सुमलता के घर दो युवक आकर बर्तन जेवर साफ करने के नाम पर 2 लाख का जेवर चुरा कर हुए फरार। शहर के पथलचपटी मोहल्ला निवासी मधुपुर महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर सुमलता के घर आकर दो युवकों ने बर्तन जेवरात साफ करने के नाम पर 2 लाख का जेवर चुरा कर फरार हो गए। घटना के संबंध में पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर सुमलता ने बताया कि रविवार को सुबह करीब 11 बजे घर के बरामदे में परिजनों के साथ बैठी थी। इसी क्रम में दो युवक बाइक पर सवार होकर पतंजलि प्रोडक्ट होम डिलीवरी देने की बात कहकर आए। 200 का प्रोडक्ट लेने पर बर्तन और जेवर साफ का पाउडर मुफ्त में देने की बात कही। एक युवक ने प्रोडक्ट होम डिलीवरी देने के लिए अपनी डायरी में प्रोफेसर राम तपस्वी सिंह का नाम लिखा, पाउडर से पित्तल का बर्तन और चांदी का सिक्का साफ कर दिखाया, सोने का जेवरात भी कुछ देर में साफ करने की बात कहकर सोने की 2 चूड़ी, 1 चेन और 2 अंगूठी बर्तन में पानी डालकर पाउडर के साथ गर्म करने के लिए घर के अंदर ले गए। बर्तन को ढककर चूल्हे पर गर्म होने के लिए चढ़ा दिया। 25 मिनट बाद गर्म होने पर जेवर साफ करने की बात कही। इस बीच अचानक दोनों गेट से बाहर निकलकर बाइक पर सवार होकर तेजी से भाग निकले। संदेह होने पर जब चूल्हे पर चढ़ाया गया बर्तन को खोलकर देखा तो सभी जेवरात गायब थे। सोने के जेवरात की कीमत करीब 2 लाख रुपए है। दोनों युवकों की उम्र 35 से 45 वर्ष की है। ब्लू जीन्स और जैकेट पहने युवक बैग लेकर आए थे। घटना की सूचना पुलिस को दी जा चुकी है। पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर सुमलता ने कहा, सातिर युवकों द्वारा घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए पुलिस को समुचित कार्रवाई करनी चाहिए। क्या हुआ, काम हुआ तो नहीं, अभी टाइम लगेगा, आ रहे हैं, और कह के बाहर निकला। मुझे लगा कि शायद कोई अपनी आवश्यकता के लिए वो निकला है, कि दूसरा व्यक्ति भी बड़ी चतुराई से उसके साथ निकल गया और दोनों ने बाइक स्टार्ट की और इतनी तेजी से उन लोग भागे कि उसी से हम लोगों को पूरा शक हो गया। जब खोल के डब्बा देखे तो डब्बे में कुछ था नहीं, और पता चला कि पिछले कई महीनों से आसपास के गांव में, शहर में भी कई लोगों के पास इस तरह वो लोग कर रहे हैं। इसीलिए मैंने अखबार और पुलिस को सूचना दे दी ताकि इस कांड पर उद्भेदन इसका करके इस पर रोक लगाया जा सके। आप इतने स्ट्रिक्ट हैं अपने निजी लाइफ में, उसके बावजूद आपके यहाँ आकर के ऐसे लोग आपको झांसा देते हैं, क्या लगता है कहीं हिप्नोटाइज का मामला लगता है ऐसे में? हो सकता है कि कुछ ऐसा भी किया हो। मुझे भी कई बार आश्चर्य हो रहा है कि मैंने उसकी बातें इतनी सरलता से कैसे मानी, जबकि हम लोग कोई भी बात बिना जाँच पड़ताल किए हुए नहीं मानते हैं, लेकिन उसने जो जो कहा मैं करती चली गई। और दोनों में से एक व्यक्ति जो सफाई कर रहा था उसकी आंख कुछ अजीब सी थी। अब स्वाभाविक रूप से वैसी थी या उसने सम्मोहन की विद्या सीखी हुई थी, ये तो मैं विश्वास से नहीं कर सकती, लेकिन कुछ अजीब सा था उसके व्यवहार में जो उसकी आंखों को देखने से खटकता था। अजीब लाल लाल आंखें थीं उसकी, तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व से उसकी आंखें मैच नहीं कर रही थीं। और मुझे भी अपने पर भी आश्चर्य हो रहा है कि कैसे मैंने एक आज्ञाकारी व्यक्ति की तरह उसकी सारी बातें मान ली बिना कोई प्रश्न प्रति प्रश्न किए हुए, सब कुछ मान लिया मैंने। तो शायद उसके पास कोई ऐसी बात थी जो वो अपनी बात मनवा गया।
इस पर मैं विश्वास पूर्वक तो कुछ नहीं कह सकती, पर लगता है इस घटना से और लोगों को सीख लेनी चाहिए। हाँ, इसी के लिए मैंने अखबार में भी ये प्रकाशित करवाया और पुलिस को भी सूचना दी कि ताकि मेरी तरह किसी दूसरे को वह लूट नहीं सके, इसीलिए यह सब। सर, आप जैसे तेज तर्रार लोग के यहाँ आकर के अगर कोई जो है कैटलॉग जो है वो मान लीजिए कि जो है पब्लिसिटी के लिए दुनिया भर का इतना रखे हुए था, बैग था, रिप्रेजेंटेटिव वाला बैग था और बहुत ही भद्रतापूर्वक व्यवहार कर रहा था कि जनवरी से होम डिलीवरी हम देने जा रहे हैं, तो रामदेव बाबा और वो पतंजलि का ही मटेरियल उसके थैले से भी, हल्दी भी उसी का निकाला, भैया पाउडर भी रामदेव बाबा का ही निकाला। जब रामदेव बाबा ठगों के लिए भी जब प्रोडक्ट निकाल दिए हैं तो कहना क्या है, उन्हीं का ठग था, समझे ना, रामदेव बाबा का ठग था। वो हम लोगों को जो है दिखाया, लंबा चौड़ा ऑर्डर लिया, कम से कम जो है बोला 200 रुपया का सामान लीजिएगा तो ये पाउडर आपको फ्री में मिलेगा, इससे बर्तन बासन भी साफ हो जाएगा, सोना चांदी सब घर में आप अपने से साफ कर लीजिएगा। और वो नसीहत भी दिया कि अगर आप ऑर्नामेंट को दुकान उकान में ले जाइएगा साफ सुथरा करवाने के लिए तो उसमें थोड़ा बहुत बायां दायां भी हो जाता है, लेकिन जब घर में कीजिएगा तो बायां दायां नहीं होगा। अब हम आपको टेक्निक बता देते हैं। वो टेक्निक बताने के क्रम में, क्योंकि मैडम वहीं बैठी हुई थी, तो वो टेक्निक बताने के क्रम में मटेरियल चाहिए न, तो चूड़ी जो पहने हुई थी सब दी और उतने में ही तो चमत्कार दिखा के चला गया, समझे। जब तक हम लोग पकड़ो पकड़ो किए तो बहुत 9-2-11 हो गया, समझे।